भाई जी आपका सर क्या नाम है? जितेंद्र चौबे जी हमारे को यहाँ पे मिले हैं। और ये सर अपना इंडिया का काफी सम्मान होता है, हम जिस भी राज्य में जाते हैं। दिनेश पाटिल जी महाराष्ट्र, इस टाइम हम नागपुर के पास में खड़े हैं, तो इस टाइम हाईवे पे ही हमारा स्वागत हो चुका है। भाई जी बोल रहे हैं कि पता नहीं कौन सी यात्रा में आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कोई बस बुस यात्रा होगी, लेकिन हम जो है आपको पता है ट्रक से कहीं निकलते हैं, ट्रक के साथ ही घूमने आना जो मजा लगता है। भाई ना हमारे बहुत ही बढ़िया ऐसे भाइयों का हर भाई का पाइप प्यार है जो हम अभी बात कर रहे हैं। कम से कम मेरे को भाई जी 12 बजे फोन करने लगे, जैसे ही मैंने ग्रुप मैन किया अपना डाला कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, तो तुरंत जो है भाई जी का प्यार। काफी चिरों से यार आपसे बात हुई, कई वर्ष हो गए ना, इसलिए आप मेरी तरफ से भी ये भाई अपने काफी क्या लेना सर यहाँ जिंदगी में, हम तो ड्राइवर भाइयों के साथ में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदित सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव न्यूज। क्योंकि हम हमेशा हर राज्य में जाते हैं और हमारा जो स्वागत भी बहुत अच्छे होता है, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि मीडिया का सच दिखाने का, और हम हमेशा सच के साथ चलते हैं। काफ़ी दिक्कतें भी हमारे को आती है, तो आज हमारे साथ नागपुर बाईपास के ऊपर भाई साहब मिल चुके हैं। भाई साहब अपना खुद परिचय देंगे, खुद इनकी संस्था का नाम बताएंगे, क्योंकि हमारा इन्होंने हारों से बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जो ड्राइवर भाइयों को आगे देश की तरक्की की राहों पे लेकर चले। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, क्या नाम है, कैसे आपकी संस्था काम करती है? जी मेरा नाम है जितेंद्र चौबे और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से हम काम करते हैं, जो मुंबई की यूनियन है। अच्छा जी। बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया के ऊपर में काम करती है। हाँ जी। और हर एक समस्या जो ड्राइवर की जो समस्या होती है, वो समस्या के तरफ ही ध्यान लगा कर कार्य कर रही है। हाँ जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा सर जी है, और हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ वासनिक सर जी, इनके अंदर में हम काम करते हैं। हाँ जी। और ऑल इंडिया लेवल में हम काम करना चाह रहे हैं। हाँ, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी का कुछ अनहोनी आती है, हजारों समस्या आते हैं। हाँ, तो हजारों समस्या से निजात पाने के लिए हमारे जो अभय झा सर जी है और वासनिक सर जी है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और हम वही काम हम लोकल में करते आ रहे हैं। हाँ जी। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, किसी की परेशानी, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल है जिसके हम बहुत सारे ग्रुप बने हैं, 70-80 ग्रुप के माध्यम से 25-30 हज़ार ड्राइवर के ग्रुप में शामिल है, जो तकलीफों से परेशान है। कहीं ना कहीं हम उसका जो परेशानी तकलीफ है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा भी छोटा पद है, हम पद के लिए तो काम नहीं कर रहे, पर जहां तक हो बिना पद से काम होता नहीं है। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं पद आता है तो आदमी को थोड़ी ताकत आती है कि अपना काम करें। तो सर मेरे पास भी करीब 650 ग्रुप है, जिसमें से आज मैं चौथे ग्रुप पे सर मैं मिला हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इतने ज़्यादा ग्रुप है, सभी ग्रुपों में मेरे को शामिल कर रखा है। और सर आज मैं नागपुर वेलफेयर एसोसिएशन के ग्रुप से मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा सर हारों से बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो सर आप देश के ट्रक ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो सर एकता जरूरी करनी चाहिए, वहाँ कमी है, मैं अभी बॉर्डरों पे सर आ रहा हूँ लेकर। सर एकता की बात की जाए तो हमारे ड्राइवर में सबसे ज़्यादा कमी है, एकता तो बनी है। हम ऑल इंडिया पहले बज रही है, काटते फोन, ब्लूटूथ ऑफ कर दे, फ्लैट मोड से बात। सर एक देखा जाए, मैंने कई बॉर्डरों पे जाता हूँ, ड्राइवरों को जागरूक करता हूँ कि आप भ्रष्टाचार है जो उससे बचे और अपनी एकता जरूर करें। सर एकता अखंड है। सर एकता की बात की जाए तो एकता तो हो रही है ऑल इंडिया के ओवर में, हमने जैसे फेसबुक हो या सोशल मीडिया कोई भी हो, ऑल इंडिया का अंदर का जो मेंबर है, ड्राइवर मेंबर, वो जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं एकता बन रही है। तो सचेत होना चाहिए प्रशासन ने, सरकारी प्रशासन रहे चाहे फिर ऑल लोकल प्रशासन रहे, कहीं ना कहीं ये सचेत होना चाहिए और ड्राइवर के हित में कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम लेके आना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी बहाल हो, क्योंकि अनगिनत समस्या से घिरा हुआ है वो। हाँ जी। हाँ जी। तो सर और भी कुछ सवाल है आपके? जैसे अभी नागपुर में मैंने देखा, मैंने वीडियो काफ़ी सर वायरल किया आपका, बंटी भाऊ जी है, उनका क्या पद है, कैसे वो काम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर? बंटी भाऊ शेड़के जी ने जो काम किया है, जो बॉर्डरों में जो लोगों से, जो ड्राइवरों से जो पैसे लिया जाता है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा लीगल नहीं है। हाँ जी। और ड्राइवर के पास पैसा लीगल नहीं आता है। हाँ जी। वो तो मालिक लोग तो पैसे काट लेते हैं, ड्राइवर से भी पैसे काट लेते हैं, ऐसे अनगिनत सवाल आए हुए। हाँ जी।
तो जो बंटी भाऊ शेड़की जी ने जो धरना आंदोलन करके जो प्रदर्शन करके वो बंद किया था कुछ दिन के लिए, हाँ बहुत सही था क्योंकि पैसे बच रहे थे। हाँ जी। और हमारे पैसे लूटे जाते हैं इन बॉर्डर फोर्स में, पैसे हाँ लूटे जाते हैं पुलिस प्रशासन में, हाँ जी। लोकल प्रशासन, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, कई ऐसे अनगिनत यंत्रणा है वो हमारे ऊपर नियंत्रण करती है बिना वजह का नियंत्रण, हाँ जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। पुलिस का प्रशासन, हम गोन खनिज चलाते, कोई और खनिज की गाड़ी चलाते, उसमें पुलिस प्रशासन का हाथ क्यों आना चाहिए? उसका है कलेक्टर, आपसे कलेक्टर साहब देखे या फिर तहसीलदार देखे या कोई और जिनका जिनका वो है, जिनका जिनका वो माध्यम है वो देखे। पुलिस प्रशासन हर बार कहीं पर भी किसी को भी गाड़ी को रोकती है, रोकने के बाद उससे पता नहीं पैसे ऐंठते हैं, क्या ऐंठते हैं, क्या कौन सी धमकी देते हैं, चालान की धमकी, कौन सी धमकी, चालान तो की धमकी देते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट, चालान कंडक्टर नहीं है, ये नहीं है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर खत्म कर दिया। नितिन गडकरी ने सर खत्म कर दिया, अभी यूनिफॉर्म सेकंड ड्राइवर खत्म कर दिया है, फिर उसके बावजूद यहाँ महाराष्ट्र दिक्कत है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा दिक्कत है, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे अनगिनत जो अधिकारी है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत भरे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर की यूनियन अभी तक वो सही ढंग से समझा पाने सक्षम नहीं हुए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सही ढंग से, अगर हमारी इधर की यूनियन अगर सही ढंग से समझा पाते तो आज हमारी हालात ऐसी नहीं होती जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं। आज लोकल का, लाइन का, हर जगह का नागपुर में आने के बाद ड्राइवर प्रताड़ित होता है। हाँ जी। कौन किसका, कौन कहाँ पे खड़ा हो रहा है, किसको पैसे लेना है, किसको क्या ले रहा है, कौन सा पुलिस वाला, कौन सा अधिकारी रोक रहा है, पता ही नहीं। सर आप भी कुछ दो शब्द ड्राइवर भाइयों के लिए बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा सभी ड्राइवर भाइयों की हर क्षेत्र में किसी न किसी यूनियन से जुड़े, ताकि हमारे ऊपर जो हो रहा है अत्याचार का निवारण सबसे बड़ा यही कर सकती है कि यूनियन से जुड़ने के बाद में हो सकता है। हाँ जी। इसीलिए मैं सभी सारथी भाई से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं हर किसी न किसी क्षेत्र में छोटी बड़ी जो भी यूनियन है उनसे जुड़ के रहे, ताकि आगे चल के हमारे देश में जो शोषण हो रहा है ड्राइवर बाबत, जो शोषण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाए और प्रशासन को हमारे बारे में कुछ मालूम हो कि बात नहीं, बाकी में ड्राइवर कौन सी परिस्थिति का सामना करते हुए आज हमारे देश की सेवा कर रहा है। और बस ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, जो भी कुछ है। ये थे नागपुर वेलफेयर एसोसिएशन के जो भाइयों यहाँ पे पद के अधिकारी हैं, और कैसे ग्राउंड जीरो पे जब तक काम नहीं होता है तो आगे नहीं, मंजिल नहीं बढ़ती है। और मैं जो भी भाइयों ने बोला है कि किसी न किसी तरीके के साथ यूनियन के साथ जुड़ो, मीडिया के साथ जुड़ो, और जो यूनियन है वो बड़ी यूनियन के साथ जुड़ो, जो बड़ी यूनियन है वो इंडिया लेवल के ऊपर जुड़ो, इंडिया लेवल पे जब नेशनल लेवल पे बात उठती है तो ड्राइवरों के मसले जरूर हल होते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो ड्राइवरों के मसले ना हल कर पाए, सरकार भी झुकती है। आपने देखा उड़ीसा महासंघ की कैसे जो बड़ी जो है एक रैली हुई थी, कैसे सरकार की हेकड़ी निकल गई थी, दो दिन में सारी मांगे उनको मांगनी पड़ चुकी थी। और इसी तरह से यूनियन काम करती है, यूनियन हमेशा ही ट्रक ड्राइवरों के लिए सहयोग के लिए काम करती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप भी किसी न किसी तरीके से यूनियन से जुड़े, इनके नंबर आप देख सकते हैं नागपुर वेलफेयर फेडरेशन के, इनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह हम देश में लगातार सच के साथ खड़े हैं और आप लोगों के मुद्दे ऑल ओवर इंडिया से उठाते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट लाइव का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो, ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आए, गिफ्ट तो भाई गिफ्ट है, जैसे ही हमारे रोड पे पहुंचे हैं तो हमारे को गिफ्ट है। सर और भी क्या कुछ बोलना चाहते हैं? यही धन्यवाद कहना चाहिए लाइव ट्रांसपोर्ट लाइव के माध्यम से जो गुरदीप पाजी पूरे देश भर से ऑल ओवर इंडिया के ड्राइवरों से जो हित के लिए लड़ाई करते हैं वो सर आप जारी रखिए, क्योंकि आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ के साथ हम भी खड़े हैं, आपके पीछे हम खड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया खड़ा है। हाँ जी। बस ड्राइवर की जीत होनी चाहिए, उसको जो सर्वांगीण हित कल्याण होना चाहिए। सर अब तो डर पड़ चुका है, कहीं भी आरटीओ चेक पोस्ट है, मैंने पिछली बार जो लाइव टेलीकास्ट कुछ किए थे उसका इतना असर पड़ गया, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, इतना डर बैठ गया उनके मन में। राजस्थान धौलपुर की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, नहीं अभी भ्रष्टाचार बंद है सर, असर तो होता है सर, असर तो होता है, पर उसके लिए सभी लोग एकता में बना के रखना कार्य, हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके की प्रताड़ित हो रहे, कहीं बॉर्डर चेक पोस्ट, कहीं टोल टैक्स में प्रताड़ित हो रहे, तो ये कहीं ना कहीं वही बंद होना चाहिए, उसके लिए एकता तो रहनी चाहिए, एकता बन के रखनी चाहिए। हाँ जी। और एकता बनी हुई है पर पता नहीं ड्राइवर में कहाँ भंग हो जाती है। हाँ, तो ये भंग नहीं होने चाहिए, जैसे चक्का जाम होता है वैसे एकता एकदम इकट्ठी रखो, एक ड्राइवर रुकता है तो 10 ड्राइवर उसके साथ खड़े हो, ऐसा नहीं कि भाग जाओ, 10 मिनट अगर आप रुकते हैं तो आपका हौसला आपके से कोई भी आपसे जीत नहीं सकता, ये ड्राइवरों की एक हक की आवाज़ होती बिल्कुल है। बिल्कुल अभी हिवाड़ी अधिवेशन चल रहा है नागपुर में दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ जय संघर्ष ग्रुप रहे या कहीं ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से वहाँ पे आंदोलन लेके जाना है, क्योंकि ड्राइवर सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी। जो प्रताड़ित ना हो। हाँ।
हाँ जी बस बिल्कुल। तो ये थे नागपुर वेल फेडरेशन के अध्यक्ष जी, और ऐसे ही काम हमेशा हमारे देश में अगर कोई भी संस्था है हर शहर में बड़े बड़े में काम करे तो जीत अपना बहुत जल्द है और जीत बिल्कुल किनारे पे है क्योंकि मीडिया आपके साथ है, कई चैनल है भाइयों, कई भाई अपने साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे हम जो काम करते रहेंगे।